तो अभी हम लोग यहाँ पे टी गार्डन का व्यू देखने आए हैं, पर क्योंकि हम लोगों के पास जो टाइम है तो ये लास्ट व्यू पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे आज घूमेंगे, क्योंकि फिर हम लोगों को यहाँ से टाइम ना होने के वजह से कल यहाँ से जाना पड़ेगा। और ऐसे भी यहाँ के जो भी जूलॉजिकल पार्क है या जो माउंटेनियर कैंप ऊपर में है वो सभी बंद पड़ा है अभी, क्योंकि अब ये सब 2 तारीख से खुलेंगी। तो अभी मैं यहाँ पर एक टी एस्टेट में आया हूँ जहाँ का नज़ारा देखने, वैली का नज़ारा देखने आया था, पर नीचे वही हाल है, मौसम बहुत ख़राब है अभी यहाँ पे, पूरी तरह से पूरा यहाँ पे फॉगी एरिया है, मतलब कि पूरी तरह से बादल यहाँ पे घेर रखा है, आपको सही से दिखेंगे भी नहीं। और आपको हम बता दें कि जब मैं इसमें पहली बार भी आया था, इससे पहले आया था, तो यहाँ का जो टी गार्डन था वो देखने में काफ़ी ही सुंदर दिख रही थी और हरी भरी दिख रही थी, पर अभी ऐसा स्थिति हो गया है जो बहुत दिनों से यहाँ पे लोग यहाँ पे आते नहीं हैं और इसका केयर सही से लॉकडाउन के कारण केयर भी सही से नहीं हो पाया है। पर आपको कुछ यहाँ का हम व्यू दिखाते हैं, देखिए अगर आपको हम सामने दिखाएं, यहाँ से नीचे अगर आपको दिखाते तो पूरा वैली दिखता, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर कुछ दिख पा रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ, फोकस करता हूँ, ये एरिया अगर आप देख पा रहे हो तो देखो हल्की हल्की सी छोटी छोटी घरें दिख रही होगी आपको। और ये जो एरिया है ये पूरा टी गार्डन है, यहाँ का एक टी एस्टेट है जो ऊपर से लेकर नीचे तक, ये अभी इस पर नए पत्ते भी नहीं आ रखे हैं, ये काफ़ी पुरानी हो गई है। और ये जो आप ऐसे भी जानते हो जो ये टी के जो पौधे होते हैं वो लगभग 50-50 साल 60-60 साल पुरानी होती है, तो देखिए काफ़ी मजबूत होती है इसकी जड़ें। और मैंने एक इसका एक छोटा सा फल तोड़ लिया है जिसे मैं आपको बाद में इसे अगर होगा तो दिखाऊंगा, बस अभी आप थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा अब कुछ कुछ दिख रहा है, मतलब कि उधर से तो वो वेदर नहीं दिख रहा था सही से, पर अभी हम अगर इधर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो देखिए अभी सब बंद पर रखा है यहाँ पर। अगर आप आते तो यहाँ का जो लोकल्स ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं वो यहाँ पर आप पहनकर और यहाँ पर उसका उससे पिक खींच सकते हो। और तो ये देखिए इधर आने के बाद थोड़ा सा आपको व्यू दिख रहा होगा क्योंकि ऊपर से बादल ज़्यादा थी, पर आप देखिए ये वैली का नज़ारा है, कितनी सुंदर लग रही है ये वैली जो है यार, काफ़ी मज़ेदार है यार, कितनी ब्यूटीफुल है ये, आप देखो अब आपको दिख जाएगा ये घर, ये नीचे में एक वैली में देखोगे तो ये छोटा सा छोटा छोटा घर दिख रहा है आपको। अगर मैं आप और नीचे जाऊंगा तो हो सकता है वेदर थोड़ी थोड़ी बादल, क्योंकि ऊपर में बादल बहुत आ रखी है, तो मैं जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा हूं बादल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो ये देखिए अभी हम जिस जगह पे हैं यहाँ देख रहे हैं सभी चीज़ टूट फूट रखा है यहाँ पे, ये देखिए अभी जो ये टी है ये टी गार्डन में कुछ नए पत्ते भी नहीं आ रखे, बस ऐसे ही पड़ा है ये सब, अगर आप देखोगे तो ऐसे रहता तो ये पूरा हरा हरा आपको दिखता, पूरा एक इसका जो ग्रीनरी रहता वो गजब का व्यू आपको देता। नीचे में वो वैली दिख रही है, नीचे में देखिए अगर वो उस जगह पे वहाँ पे एक सामने एक घर है और उससे भी आगे अगर आपको अगर ये बादल नहीं रहता तो आपको व्यू दिखता, पर अभी बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर है, धूप कभी आ जाता है किसी, अगर मैं अभी नीचे ऊपर उधर से आ रहा था तो वहाँ पे काफ़ी वेदर अच्छी हो रखी थी, तो मैंने सोचा इधर वेदर अच्छी होगी, पर जैसे जैसे इधर आया अब देखो ये वैली यार, कितना ब्यूटीफुल सीन है यार, मज़ा आ जाएगा यहाँ अगर आप आते हो और यहाँ का ब्यूटी देखोगे यार। नीचे से झरने की आवाज़ आ रही है, अगर आप देखोगे तो नीचे तो अभी हम जा नहीं सकते हैं, उधर से रास्ता है नीचे से वो दिख रहा है, नीचे से काफ़ी नीचे जाना होगा तब जाके आपको कुछ झरने दिख जाएंगे, पर यहाँ पे काफ़ी अभी कोई है नहीं और अब शाम होने ही वाली है,
तो हम लोग सोच रहे हैं बस आपको देखे तो ये रास्ता इधर से ऐसे जाती है और फिर उधर से होते हुए अगर वहाँ पे आपको अगर दिख रही होगी वहाँ पे अगर दिखा दें मैं जूम करके दिखा रहे हैं ये देखिए वहाँ तक जाती है, ये पूरा टी एस्टेट ही है, नीचे से लेकर ऊपर तक वो पूरा टी गार्डन से ही भरा है। तो एक बार आप यहाँ का ब्यूटी देखिए, यहाँ का नज़ारा देखिए एक बार। आते हो कभी भी तो यहाँ पे आओ, थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, यहाँ का व्यू देखो यार, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। कभी कभी होता है जो नेचर के बीच में जाना चाहिए, नेचर के बीच में जाने से क्या होता है, आप बहुत रिलैक्स महसूस करोगे क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है एकदम शांति होता है। जब आप हरे भरे के बीच में रहोगे थोड़ी देर के लिए तो आपका दिमाग बहुत शांत होगा, आप कुछ अपने कुछ ऐसा चीज़ जो आपको डिप्रेस कर रही है उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते हो उस समय, आप बस यहाँ का जो नज़ारा है ब्यूटी आप उसे ही देखते रहोगे, तो फिर आपको टाइम इतना कहाँ मिलेगा जो किसी और चीज़ों के लिए सोच सको। तो यही है, यहाँ आओ आप घूमो, 2 तारीख से ये लगभग सभी के लिए खुल रही है यहाँ पर। तो फिर कभी अगर हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आएँगे ज़रूर आएँगे, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो हम घूम नहीं पाए, क्योंकि अभी तो हम जस्ट किसी काम से आए थे जिसके कारण थोड़ा सा टाइम बचा तो हम यहाँ पे आए और थोड़ा सा यहाँ का व्यू देख लिए। पर अगली बार जब आएंगे तो हो सके यहाँ का एक एक चीज़ जो भी चीज़ें होंगे सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, और बाकी तो आप जानते ही है। और एक बार अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से आते हैं और कहीं जाते हैं तो इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और हो सकती है बहुत सारी चीज़ है जो अभी हम लर्निंग प्रोसेस में है, क्योंकि अभी हम ये चीज़ शुरू ही किए हैं तो हमें उतनी आती नहीं है, पर कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से कुछ करें, क्योंकि हम अभी बहुत सारे यूट्यूबरों का वीडियो देखते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो हम इसमें लर्निंग प्रोसेस में ही है, तो कोशिश करते हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ये सब सीखें। तो आप धीरे धीरे अगर आप देखिए पीछे से बादल ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे पूरा क्लियर होते जा रहा है, यहाँ का जो व्यू है नीचे का जो नज़ारा है धीरे धीरे वो बादल ऊपर की तरफ जाएगी और वो क्लियर होता जा रहा है। तो आपको मैं यहाँ का सभी कुछ तो दिखाई दिया, तो चलिए फिर से अब इस सीरीज के लिए बस इतना ही होगा, क्योंकि हमें अब यहाँ से निकलना भी है, तो हो सकता है कि अब हम जब फिर कभी यहाँ आए तो अगर आएंगे तो फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी फिर दार्जिलिंग सीरीज के साथ। तो आपको और हाँ ये देखो, अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये क्या है, ये चाय पत्ती की पौधे में मुझे मिला, पता नहीं ये शायद गोल दाना जो होता है, पर ऐसे तो दार्जिलिंग लिप्स के लिए फेमस है, चाय पत्ती का जो लिप्स होता है उसके लिए फेमस है यहाँ पे, पर ये शायद उसका गोल दाना हो सकता है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होंगे जो बहुत दिन रहने के बाद इसमें गोल दाने आ गए। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं, बाय बाय।